नमस्ते, मैं ग्राम विकास अधिकारी ईशा चौधरी ब्लॉक हसनगंज उन्नाव से हूँ। कोरोना वायरस के चलते हुए मेरी ग्राम पंचायत निंदेमोह प्राथमिक विद्यालय में एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे बाहर से आए हुए 6 लोगों को रखा गया है। तो इसमें से जो है एक हमारे अध्यापक हैं, आइए जानते हैं उनसे कि वो अपना समय यहाँ पे कैसे व्यतीत कर रहे हैं। दादाजी हैं जो कि अध्यापक हैं, चलिए आप इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पे अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं। हाँ दादाजी, बताइए यहाँ क्वारंटाइन सेंटर पे आप पूरा दिन अपना कैसे बिताते हैं? मैं 30 तारीख को आया, मैं उर्दू मदरस हूँ, उर्दू टीचर हूँ, इस वजह से मैं हूँ कि ये विद्यालय है, विद्यालय में विद्यालय ही का काम होना चाहिए। मैंने अपने बच्चों को उकसाया कि ताकि आप लोग उर्दू कुछ सीख ले और हिंदी सीख ले, इसलिए आपका भी हंसी खुशी वक्त निकल जाएगा और कुछ ज्ञान प्रारंभिक काम है वो भी हासिल हो जाएगा। इसलिए अब मैं अपने बच्चों को बुलाता हूँ कि देखते हैं वो क्या सीख रहे हैं। आइए अब बताइए इसमें पे कहाँ है? आइए बताइए इसमें लाम कहाँ है? आइए अब बताइए इसमें अलिफ कहाँ है? अब बताइए इसमें टे कहाँ है? जैसे कि आपने देखा कि दादाजी यहाँ पे उर्दू पढ़ा रहे, इसी तरीके दादाजी एक और सब्जेक्ट पढ़ा रहे जो है हमारी मातृभाषा हिंदी। आइए चलिए देखते हैं कि वो हिंदी कैसे पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वारंटाइन को ध्यान में रखते हुए ये लोग गैपिंग करके बैठे हुए हैं और दादा यहाँ पे हिंदी पढ़ा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हिंदी में ये छोटा बड़ा पढ़ा रहे हैं। हाँ दादा, पढ़ाइए आप अपने बच्चों को जैसे पढ़ा रहे हैं। देखिए बच्चे, बच्चों हिंदी में स्वर और व्यंजन ही पहचानना कमाल है। जिसे स्वर और व्यंजन आ गया वो किताब पढ़ लेगा आसानी से। स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, इसी की जानकारी आपको करना है। ये क्या लिखा है आप बताइए? ये क्या लिखा है आप बताइए? आप बताइए ये क्या लिखा है? गुजारिश की थी ग्राम सचिव से और अपने प्रधान से, हमें चाक और कापी की जरूरत है बच्चों के लिए, वो हमें हासिल हो गई है। कापी भी आई, चाक भी आ गया। एक और बात आई है जिसमें से इन लोगों ने बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को करते हुए ये लोग फुटबॉल भी खेलते हैं। आइए देखते हैं। करीब करीब पूरा होने वाला है, हम लोगों ने बाखुशी इल्म भी हासिल किया और सिखाया भी। बच्चे हमारे हर तरीके से सक्षम हैं। अब हम लोगों का वक्त करीब आ गया है, एक दो रोज में जाने वाले हैं और इस वक्त को याद रखेंगे कि हमारा भी एक वक्त मिला अपने बच्चों को पढ़ाने का निंदेमोह विद्यालय में। बोलो बोलो। मैम यहाँ मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा, यहाँ के बोल और खेल रहे हैं, स्वस्थ हैं, घर जाना चाहते हैं। ये समय हमारा 14 दिन का बहुत यादगार समय है। इसमें हमने लोगों ने बहुत मस्ती और पढ़ाई भी की है और स्वस्थ होकर हम लोग घर जाएंगे।